पूरी कौम को मुबारक हो। तोशाखाना का केस आज ख़त्म हो गया है और हमारे कई सहाफ़ी हज़रात और कई हमारे बाकी दोस्तों ने उस दिन बड़ा गिला किया जब मैंने कहा कि सस्पेंशन पहले दिन ही होनी बनती है। और मैं तो अब कहूँगा कि कल जब केस की समाअत होनी है, सिर्फ सस्पेंशन के अलावा मेन केस भी कल बहस कर दिया जाए तो 2 घंटे के अंदर ये केस ख़त्म हो जाएगा और इमरान खान साहब इसमें बाइज्जत बरी हो जाएंगे। 3 नुकात आपको पता है पहले दिन से। एक तो इलेक्शन कमीशन का मतलब है इलेक्शन कमीशन सेक्रेटरी नहीं होता है, इस्तगासा उसकी तरफ से आना था। फिर ये लाहौर की जुरिस्डिक्शन मियांवाली वाला मामला था, फिर मियाद का था 120 दिन के अंदर। और मैं लफ्ज़ चैलेंज का भी उस वक्त इस्तेमाल किया था। और मैं आज की हियरिंग में 4 चीज़ें बड़ी वाजे हो गई हैं कि राइट टू फेयर ट्रायल एंड ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं दिया गया। आपको 3 दफ़ा दायरा इख्तियार का कहा गया, इवन जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब को भी कहना पड़ा इस बात के ऊपर। दायरा इख्तियार 3 दफ़ा, अगर हाईकोर्ट ने तय करना था, 3 दफ़ा नीचे गया। और आपको पता है कि आखिरी दफ़ा जो दरख्वास्त गई थी वो 3 तारीख को सुनी गई थी और उसको ऑर्डर 4 तारीख को गालबन जारी किया गया था। और उससे पहले 2 तारीख को आपको बताया कि गवाहन जो हैं 342 के स्टेटमेंट में जा कहा तो कहा गया कि 12:30 तक पेश करे आना, कि बाहर से आना था, वो सारी कह दिया गया गैर मुतलका है। इस पर भी इस्लामाबाद हाईकोर्ट नोटिस जारी कर चुकी हुई है इस बुनियाद के ऊपर भी। दायरा इख्तियार और फिर शहादतों का मौका नहीं दिया गया अपनी सफाई में पेश करने के हवाले से। और इतनी जल्दी थी कि जज साहब को पता छुट्टियों में लाया गया और फिर 4 तारीख को उन्होंने जुडिशल कॉन्फ्रेंस का जारी किया कि 5 तारीख को उन्होंने वहाँ इंग्लैंड में जुडिशल कॉन्फ्रेंस में शिरकत करनी है। सारा कुछ सामने आ चुका है आपके सामने। मैं बड़ी वाजह तौर पर ये बात कहना चाहता हूँ कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ना सिर्फ सस्पेंशन, मेन केस में भी अगर बहस हुआ तो इमरान खान साहब इसमें बरी होंगे इन बुनियादों के ऊपर, राइट टू फेयर ट्रायल, लिमिटेशन का और मैलाफिडी का एलिमेंट तो ऑलरेडी मौजूद है और जज के बायस का भी। और जैसे आज दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है कि जनाब चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब से केस उनके किसी केस ले अगर किसी और को दिया जाए। सच्चाई है तो यही कि आमिर फारूक साहब भी अपने ऊपर जो ये इल्ज़ाम हैं कल इस सारी चीज़ को रखे, कल फैसला कर दें, वरना कल ये केस किसी और जज के सामने ट्रांसफ़र कर दें। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल ना सिर्फ सस्पेंशन होगी, अगर मेन केस सुना गया तो इमरान खान साहब बाइज्जत बरी।